हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड कंटेंट। आज के इस पॉडकास्ट में मैं डिस्कस करूँगी कि आपके ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है। यहाँ पर मैं जो कोई भी कंटेंट शेयर करती हूँ वो सारा का सारा डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। सो चलिए विदाउट एनी डिले हम आज के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बार बार इस तरह से कंफ्यूज होते रहते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं, या फिर आपके रियल ट्विन फ्लेम कौन है, क्या ये आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम है, तो ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जब तक आप 100% कन्फर्म नहीं हो जाते हैं, तो तब तक आपको किसी भी डिसीजन पे गाइस इस जर्नी में जो है नहीं आना है। और डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि एक साथ कोई दो पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, जैसे कि आपका सोलमेट हो और आपके ट्विन फ्लेम हो, या फिर एक आपका कार्मिक हो और एक आपके ट्विन फ्लेम हो। क्योंकि इस जर्नी में ऐसा कहा जाता है कि आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, वो भी आपका मिसयूज़ कर सकते हैं, आपको बुरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, आपको वर्बली अब्यूज़ कर सकते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन जो है, या फिर जो कोई भी फेमिनाइन एनर्जीज़ है, जब ट्विन फ्लेम कंसेप्ट के अक्रॉस आती है तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है कंफ्यूज हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता है कि उनके ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है। और एक के साथ अगर वो दो तीन लोगों से बात कर रही हो, कनेक्टेड हो, फ्रेंड्स हो उनके, तो फिर उनके बीच में भी जो है उन्हें कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो जाता है और वो समझ नहीं पाती कि एग्जैक्टली मेरे ट्विन फ्लेम कौन है। हो सकता है कि एक आपके सोलमेट हो जो आपके साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करते हो, आपको बहुत ज़्यादा उनके पॉजिटिविटी उनसे आपको फील होती हो, और एक आपके ट्विन फ्लेम हो या फिर कार्मिक हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करते हैं। आप खुद से कैसे जानेंगे कि कौन मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है? अगर आपको मेरा ये शेयर किया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है और मेरे एनर्जी अपडेट्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, मेरे पॉडकास्ट्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक सिंपल मेथड है इसके लिए कि जैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि आपको इनर वर्क करना है और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में आना है, अपना हाईएस्ट वर्जन जो है बनना है। तो जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ोगे, इनर वर्क आपका अच्छे से करोगे, तो फिर आपको जो है अपने आप क्लैरिटी जो है आने लग जाएगी कि कौन से पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। आपके जो ट्विन फ्लेम होंगे उनमें आपको जो है धीरे धीरे चेंजेस जो है नज़र आने लगेंगे, वो पर्सन जो है अच्छे बनने लगेंगे। तो इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हो कि आपके ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपका सोल आपको बताएगा कि आपके ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है। यस, आपके सोल को जो है ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है पता होती है, लेकिन आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आप जो है यहाँ वहाँ पर भटकते रहते हो, या फिर कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव सोचते रहते हो। और ढेर सारे ऐसे पॉडकास्ट है, कभी इसकी बात सुन ली, कभी उसकी बात सुन ली, तो इस तरह से आप जो है काफ़ी अपने आप को कन्फ्यूज़ करते रहते हो। एक्सटर्नल रियलिटी भी आपको हेल्प नहीं करती है, क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी कार्मिक की तरह बिहेव कर सकते हैं, और आपके कार्मिक तो होते हैं वो तो आपको परेशान करते ही हैं। तो फिर आपका सोल जो है वो आपको रियल चीज़ बताएगा कि हाँ, ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन है। और आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन होंगे उनसे जब आप सेपरेट होना चाहोगे,
तो आपको एक सोल क्राइंग होगी, आपको मन नहीं करेगा कि उस पर्सन से जो है आप दूर जाए, आपको यू नो बहुत ज़्यादा पेन होगा, सफरिंग होगी, तो इस तरह की जो है चीज़ें आपको फील होगी। लेकिन अगर यही आप आपके कार्मिक के साथ हो, आपकी अवेकनिंग आपके कार्मिक से हुई है और इस जर्नी में आकर आपने इनर वर्क स्टार्ट कर दिया है, तो धीरे धीरे आपको ऐसा फील होगा आपके कार्मिक के साथ कि पहले तो आपको अट्रैक्शन फील होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि यू नो आपको उनके साथ कर्मा क्लियर करना है, तो आपको उनके साथ रहना जब तक कर्मा क्लियर नहीं हो जाता ज़रूरी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कर्मा क्लियर होता जाएगा, आप यू नो पॉजिटिव रहने लग जाओगे, हाई वाइब्रेशंस में आप जो है आ जाओगे, आपका इनर वर्क आप करोगे, वैसे वैसे उस पर्सन से जो है आपकी अटैचमेंट जो है चली जाएगी, आप उससे यू नो दूर होते जाओगे। आपको ऐसा फील होगा कि यू नो ये पर्सन रहे या ना रहे आपकी ज़िंदगी में, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है नहीं पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन जो है वो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से गाइस हम पता कर सकते हैं कि हमारे ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है और कौन हमारे सोलमेट है, कौन हमारे कार्मिक है। सो दो लोगों में अगर आप कंफ्यूज हो तो मेक श्योर कि आप खुद को टाइम दीजिए, आपका इनर वर्क जो है आप अच्छे से फॉलो करें और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले। जल्दी से यू नो किसी भी रिलेशनशिप में जाना तो इस तरह की यू नो चीज़ें ना करें, क्योंकि आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ इस जर्नी में रहना ज़रूरी होता है। अगर आप आपके सोलमेट को चूज़ करोगे गलती से, या फिर अपने कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ के चूज़ करोगे, तो फिर यू नो ऐसा हो जाएगा कि आपकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और उनकी भी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी। एक सोलमेट, एक कार्मिक जो होता है वो आपका यू नो डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, आप उनके साथ जो है अपनी पूरी लाइफ नहीं बिता सकते हैं। रह रहकर बाद में भी आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन की याद आनी ही है, तो फिर कोई भी डिसीजन जो है जल्दी ना ले मैरिज का या फिर रिलेशनशिप का। अपने लिए टाइम दे, खुद को टाइम दे, खुद का इनर वर्क अच्छे से करे और तभी आगे बढ़े। ओके, सो चलिए इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट एंड करती हूँ। बाय बाय।